बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो हैं किप्स का पेपर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उसका पहला जो सवाल है वो डायमेंशन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, डायमेंशन लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ SI बेस यूनिट। इसका इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो बी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो बेस यूनिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है हैव एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इक्वल डिस्टेंस फ्राम इट्स सेंटर ऑफ वेट आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज अ टेबल टेनिस बॉल। इसका राइट ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर प्लेट एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, ये करेक्ट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थिन यूनिफॉर्म रॉड इज अ हाफ वे अलॉन्ग रॉड, ये भी करेक्ट है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर प्लेट इज एट द पॉइंट ऑफ इट्स बैलेंस, तो ये भी राइट है। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल प्लेट इज एट वन ऑफ इट्स वर्टाइसिस, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। आइडियल फ्लूड जो है वो इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, नॉन विस्कस भी होते हैं, स्टेडी फ्लो भी होते हैं। इसके राइट ऑप्शन जो हैं वो ऑल ऑफ दिस तीनों ही होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है फ्लूड, क्वेश्चन नंबर 6 में फ्लूड इंटरिंग अ पाइप फ्राम अ पॉइंट ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शन एंड एग्जिट फ्राम अ पॉइंट ऑफ सेम पाइप हैविंग स्मॉल क्रॉस सेक्शन, इट्स प्रेशर एनर्जी एट द एग्जिट वुड बी, इसकी प्रेशर एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी लेकिन उसकी एनर्जी क्या होगी, प्रेशर या प्रेशर एनर्जी वो कम होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू इन्फर फ्राम द बर्नोलियस इक्वेशन। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूड इज़ हाई प्रेशर वुड बी लो, स्पीड ऑफ फ्लूड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। क्वेश्चन नंबर 8 है वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फारेनहाइट स्केल इज -460, राउंड अबाउट करके इसको हम इस तरह लिखते हैं -460 फारेनहाइट, ये है एक्चुअली -459.4 फारेनहाइट। 1 Fahrenheit इज इक्वल टू 0.01 रेम है। इसका राइट ऑप्शन ए के 0.01 रेम। उसके अलावा नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेंटीग्रेड स्केल जो है इसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन मैक्सिमम इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम होगी जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद द वेलोसिटी जीरो, जीरो वेलोसिटी इज पॉसिबल ओनली फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन अ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट द अपीयरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। नंबर 14 अ टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर बाय एक्यूस्टिकल इको इज कॉल्ड अ सोनार। नंबर 15 टू अन इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, करंट थ्रो अ स्मॉलर रेजिस्टेंस इज हायर। क्वेश्चन नंबर 16 इफ द वेव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव वुड बी अ ग्रेटर देन आइदर ऑफ इंडिविजुअल वेव। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ थिन ऑयल फिल्म ऑफ वाटर शो अ कलर पैटर्न विच व्हेन एलिमिनेटेड बाय अ वाइट लाइट ड्यू टू अ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नंबर 18 है मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स लाइट हैव वन कलर सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ, तो इसके राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। इफ टू आर मोर रेजिस्टर जॉइंट साइड बाय साइड द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेंस द सेम द रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें करंट जो होगा वो सेम होगा। वोल्टेज अक्रॉस इज गिवन बाय अ सर्किट, तो इसका राइट ऑप्शन है 6.3 वोल्ट। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज वीक बिकॉज लाइन ऑफ फोर्सेज आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम द ईच अदर, इसका राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 23 द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सोलेनोइड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैन बी टेकिंग अलॉन्ग अ टेंजेंट एट अ पॉइंट, इसका राइट ऑप्शन है 24 का सी। 25 शेयर स्ट्रेस एड्रेस टू द शेप चेंज ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस। एंड 26 में सबस्टेंस अंडर गोइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर नोन एज डक्टाइल सबस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट द आर्गेट, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। सी जो है वो आर्गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। 28 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फार मोर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
The dominant process is called materialization of energy. The target in X-ray unit is given by a positive potential. X-rays are similar in nature as gamma rays. The velocity of X-rays is equal to the speed of light and gamma rays. X-rays are affected by none of these, not a magnetic field, not electric field. The penetration power of X-ray increases with increase the frequency. The display in CRO would be stationary if input signal and sawtooth signal have same time period. K alpha characteristics. X-ray are produced due to transition of electron from L to K shell, L to K shell, name of atom, not used for tracer, carbon 12, which of the following, which one is a more energetic X-rays, K gamma to X-rays, and 38. The characteristics of X-ray appear as a discrete line on a continuous spectrum. Detector which can count fast and operate low voltage is called solid state detector. Biological effect of radiation depends upon ionization power of radiation, nature of part of body. 41. The unit of rate of absorption of radiation to have a same biological effect on a different part of the human body is called RAM. Method of recording and producing three-dimensional image name is holography. Pressure of a gas is proportional to average time translational kinetic energy and proportional to absolute temperature. In solid state detector, we use silicon and germanium. So, ये था हमारा किसका पेपर नंबर थर्ड.